हरियाणा के हिसार में त्योहारों को लेकर मिष्ठान फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अनियमितताएं मिलने वाली मिष्ठान फैक्ट्रियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने राजगढ़ रोड स्थित आजाद नगर में स्थित एक मिष्ठान फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। यहां स्थित सालासर मिष्ठान भंडार की मिष्ठान फैक्ट्री में मुख्य रूप से रसगुल्ला और गुलाब जामुन का निर्माण हो रहा था। यहां 300 किलो रसगुल्ला व 300 किलो के करीब गुलाब जामुन तैयार मिले। काफी मात्रा में मिठाई बनी होने के कारण काफी मिठाई खराब हो चुकी थी, जिसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां मिष्ठान फैक्ट्री में कुछ अनियमितताएं हो रही हैं। इस मौके पर फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर अरविंद्रजीत सिंह ने मिठाइयों के सैंपल लिए और फैक्ट्री के कागजात भी जांचे गए। यहां जो अनियमितता मिलेगी उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने खाद्य पदार्थ बनाने वालों से आह्वान किया कि वह अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ ना बनाए, क्योंकि काफी दिन बीत जाने पर वो जहर का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। ये हमें गुप्त सूचना मिली थी कि मनजीत लोहान है, ये आजाद नगर में रहते हैं। इन्होंने एक प्लांट लगाया हुआ है जिसमें ये रसगुल्ले तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आजाद नगर रोड पे ही है अंदर आके। तो अभी चेक किया हमने, स्वास्थ्य विभाग से हैं, FSO हैं हमारे साथ, श्री अरविंदर जी डॉक्टर साहब, स्थानीय पुलिस हैं और हम हैं मुख्यमंत्री उड़न दस्ता हिसार से। आके चेक किया तो इनके पास करीबन 3 क्विंटल रसगुल्ला और 3 क्विंटल के करीब गुलाब जामुन तैयार शुदा मिले हैं। इनके डॉक्टर साहब द्वारा सैंपलिंग की कार्रवाई अभी जारी है। जैसे डॉक्टर साहब की ला के हिसाब से हिदायत होगी, उसके हिसाब से ठोस कार्रवाई करेंगे। तो सर ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? ये तो बिल्कुल भविष्य में लगातार जारी रहेगी, जब तक ये जो बिना कानून के हिसाब से या बिना उसके लाइसेंस के या बिना टर्म एंड कंडीशन के जो चीज़ें मिलती जा रही हैं वो हम डिस्ट्रॉय भी करवा रहे हैं, कब्जे में भी ले रहे हैं और ला के हिसाब से FIR भी दर्ज होके और उन पर कार्रवाई हो रही है। और मेरी भी ये निवेदन है सारे देशवासियों से और मैन्युफैक्चरर से भी कि ये खाने की आइटम है, इनको बड़ा ध्यान से टर्म एंड कंडीशन और ला के हिसाब से इनको बनाएं और उतने ही पेड़ में इनको यूज़ जितनी होती है उतनी क्वांटिटी में बनाएं, ज़्यादा बना के ना रखें। ज़्यादा टाइम रखने से ये जहर का काम करती हैं और आमजन में बड़ा हानि पहुँचती है इस बात से। तो ये ला के दायरे में रह के ही बनाएं और अपना रोज़गार करें। तो सर आगामी कार्रवाई क्या कुछ रहेगी? आगामी सैंपलिंग हो रही है, उसके बाद जो डायरेक्शन है, अगर ये इनके कागजात वगैरह चेक कर रहे हैं, जो कमियां जिस हिसाब से मिलेंगी उसी हिसाब की नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।